हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाइन्थ के सिविक्स का तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि आखिरकार संविधान निर्माण का जो नींव है वह किस प्रकार से पड़ा और किस प्रकार से हमारे देश का संविधान बना, एक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, इन्हीं सभी सवालों के विषय में इस पूरे चैप्टर्स में दिया गया। एक बात आप याद रखिएगा, संविधान निर्माण की जो कहानी है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, इसे एक छोटे से चैप्टर्स में फिनिश नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस नाइन्थ के चैप्टर में शुरुआत की गई है कि किस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो निर्माण हुआ है। आगे की कक्षा में जब आप 12th 11th में जाइएगा, ये संविधान निर्माण आपको एक और चैप्टर मिलेगा, वहां पर आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल अगर आप 9th में हैं तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए, और अगर आप 12th में हैं तो शुरुआत के दौर को थोड़ा समझ लीजिए कि संविधान निर्माण की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, संविधान सभा क्या होती है, संविधान क्या होती है। आइए अपनी कहानी की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि आखिरकार संविधान होता क्या है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। लोकतंत्र में शासक यानी कि जो शासन करने वाले होते हैं, जिसे हम आमतौर पर सरकार कहते हैं, तो इसकी मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है, यानी कि सरकार जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। अब ये सरकार अब मनमानी क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे लिए कुछ नियम कानून है, तो कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन सरकार और साथ ही साथ नागरिकों दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब एक और तरीके से हम संविधान का जवाब लिख सकते हैं कि संविधान मुख्य रूप से एक किताब है, तो हम लिखेंगे कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी कि एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं, और न केवल उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं बल्कि जो भी उस देश के निवासी है वह सभी देश के निवासी उन सभी नियमों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। संविधान को हम सर्वोच्च कानून भी कहते हैं, और संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोग और सरकार के बीच संबंध को तय करता है, यानी लोगों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और सरकार और जनता के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, यह भी किस पर डिपेंड करता है, यह भी संविधान पर डिपेंड करता है। अगर आप संविधान समझ चुके हैं तो आइए मैं समझाता हूँ कि इस पूरे चैप्टर्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो इस पूरे चैप्टर्स में सबसे पहले कहानी की शुरुआत करेंगे दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार से, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक सरकार को देख लीजिएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारत में संविधान का निर्माण का जो शुरुआती दौर है वह किस प्रकार से था, संविधान सभा किसे कहते हैं, और संविधान दर्शन यानी कि लास्ट में संविधान को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि संविधान जब बन के तैयार हो गया तो वह किस प्रकार से दिखता है, इसे ही संविधान दर्शन कहते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं ये वीडियो आप सबों के समक्ष लेकर आया हूँ। किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को फोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और सवाल अगर बड़ा होता है तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही सोशल मीडिया पर मौजूद हूँ, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मेरे पर्सनल सवालों के लिए। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार से। दक्षिण अफ्रीका जो है एक देश है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दक्षिण अफ्रीका दिखा देता हूँ कहाँ पर, वीडियो में आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो है अफ्रीका का नक्शा है, और अफ्रीका के जो दक्षिण भाग है, ओके, अगर आप विश्व का मानचित्र देखते हैं तो विश्व मानचित्र में अफ्रीका के दक्षिण में एक देश मिलेगा, और उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, ओके। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। अब आइए वीडियो में थोड़ा पीछे चलते हैं और कहानी को समझते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार लाने के लिए, यहाँ पर पहले लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकार थी, और यहाँ पर जो एक सबसे खराब व्यवस्था था उस व्यवस्था को कहते थे रंग भेद। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रंग भेद होता क्या है। देखिए, रंग भेद नस्ली यानी कि नस्ल के आधार पर आधारित एक भेदभाव है, और यह व्यवस्था जो था वह दक्षिण अफ्रीका में ही लागू थी। तो दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग के आधार पर भेदभाव को ही हम रंग भेद कहते हैं। यह कैसे हुआ,
देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में कुछ यूरोप के लोग आए और ये यूरोप के लोग यहाँ पर बस गए। यूरोप के लोग जो है वे नस्ल के आधार पर गोरी चमड़ी के होते हैं, जबकि अफ्रीका के लोग हल्के डार्क कलर के होते हैं, और इसीलिए जो गोरी चमड़ी वाले हैं उन्होंने इनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। उनको उन स्थानों पर जाने नहीं दिया गया जहाँ पर गोरे लोग जा सकते थे। काले लोगों को बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे नियम कानून को उनको मानना पड़ा। तो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो ये व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था को हम भेदभाव के नाम से जानते हैं, और चूंकि ये रंग के आधार पर था तो हम इसे रंग भेदभाव के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल जो आपके मन में आता होगा कि आखिरकार दक्षिणी अफ्रीका में जो भेदभाव है, ये रंग वाली भेदभाव है, ये कब शुरू हुई? तो इसका जवाब है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी कब होता है? तो 1600 से लेकर के 1699 तक का जो समय है इसे हम 17वीं शताब्दी कहेंगे, और 1700 से लेकर के जो 1799 तक का समय है इसे हम 18वीं शताब्दी कहेंगे। यानी 1600 से लेकर के 1799 तक ये जो 200 साल का समय है, इस 200 साल में जो यूरोप के लोग हैं वे व्यापार करने के लिए बहुत सारे यूरोप के लोग यूरोप के कंपनी बनके, यानी यूरोप में बहुत सारी कंपनियां चलती है, कंपनियों के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका आए और दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया। चूंकि वे काफी बड़ी संख्या में आए थे इसलिए यहाँ पर जो है गोरे लोग बस गए। ओके, या कहने का मतलब यह है कि यूरोप से बहुत सारे लोग आए थे तो वे बार बार जो है यूरोप नहीं जा करके यहाँ पर ही वो बस गए, और यहाँ के स्थानीय काली चमड़े वाले लोगों के साथ बहुत ज्यादा खराब व्यवस्था, रंग भेदभाव उन्होंने शुरू कर दिया और वे इन्हें नहीं पसंद करते थे। और साथ ही साथ जो गोरी चमड़ी के लोग थे वे बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि हम जहाँ जाएं, हम जिन स्थानों में खेले, हम जिन स्थानों में नहाए, हम जिन पार्कों में घूमे, हम जिन रेस्टोरेंटों में खाना खाए, हम जिन होटलों में रहे, हम जिन समुद्र के किनारों पर नहाए, वहां पर काले लोग नहीं आए, ऐसा सोचते थे कौन? गोरी चमड़ी के लोग वाले। और इसी के आधार पर वहां पर भेदभाव हो गया और बहुत सालों तक जो ये भेदभाव वाली व्यवस्था है इसको लोगों को मानना पड़ा। अब आइए आपको कुछ नियम कानून के विषय में बताते हैं। देखिए रंग भेदभाव में किस प्रकार के प्रतिबंध लगा गए थे? अश्वेतो यानी कि जो काले लोग हैं, जो गोरे की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी, यानी कि जहां पर गोरे लोग बसे हुए हैं वहां पर अश्वेत जो है वह नहीं बस सकते हैं, और अगर उन्हें वहां पर जाना है, मान लीजिए कि काम करवाना है तो काम करने के लिए जा सकते हैं, तो इसके लिए एक परमिट बनाना पड़ता था। अगर आप परमिट बनवाइएगा तभी आप वहां पर काम करने के लिए जा सकते हैं। काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे, यानी कि जो स्थान गोरे लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है वहां पर काले लोग नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पर एक बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि व्हाइट एरिया, यानी कि ये जो एरिया है वह केवल व्हाइट के लिए है, यहाँ पर ब्लैक्स जो है वह नहीं आ सकते। ऐसा पोस्टर उस समय अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश देखिए लिखा ओन व्हाइट ओनली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डेंजर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है नेटिव इंडियंस एंड कलर्स इफ यू एंटर दिस परमिट, सॉरी क्या लिखा हुआ है, परमिसेस लिखा है, एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। समझ सकते हैं यहाँ पर क्या बोला कि अगर आप यहाँ पर आइएगा काली चमड़े वाले रात को तो आप मिसिंग घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि उसको डेथ कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर गोरी चमड़े के लोग ही आ सकते थे और काली चमड़ी वाले लोग नहीं जा सकते। तो वहां पर एक्चुअल में बोर्ड लगा दिया जाता था कि ताकि बोर्ड देख करके वो वहां से नहीं पार कर सके। ओके, सड़क भी थी तो सड़क में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी, आप ऐसा सोच सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार इन सभी व्यवस्थाओं का लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? तो वहां पर अश्वेतों को संगठन बनाने और ये जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है इसका विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि ये सारी चीजें भी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किसी ना किसी चीज का एक समय आता है और यहाँ पर बनता है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जब बनती है तो इनका झंडा उंडा बनता है, झंडे के तले का मतलब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के समक्ष बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे अफ्रीकियों ने 1950 में ही गोरों के विरुद्ध जो है आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। यानी अब ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और इन्होंने पूर्ण रूप से आंदोलन क्या कर दिया, छेड़ दिया। अब थोड़ा डेट आगे बढ़ता है, 26 अप्रैल 1994 को
दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी कहने का मतलब 1950 में अफ्रीका में एक आंदोलन शुरू होती है, किसके लिए? आजादी के लिए। और वह 26 अप्रैल 1994 को पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं और आजादी के बाद वह अपने देश को कैसा देश बनाते हैं? लोकतांत्रिक देश बना देते हैं। जो यूरोप के लोग थे वह पूरी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी, तो अल्पसंख्यक गोरों की सरकार जो थी वह काले लोगों पर अत्याचार कर रही थी, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। तो अफ्रीकी की जब सरकार बनी तो वो लोग चाहे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और सब लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने लगे। वे लोग वहां जाकर के जहां गोरे लोग रहते थे वहां पर भी प्रवेश कर दिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर सभी गोरे लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये काले लोग क्या हुए, आ चुके हैं। यानी कि अब ये नियम कानून को बिल्कुल भी क्या कर दिए, नहीं मानने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप दिख रहा होगा तो ये व्हाइट एरिया है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अब नियम कानून को तोड़ने लगा, लोग प्रतिबंधित एरिया में भी जाने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अफ्रीका में आजादी आने लगी। अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में ये जो आजादी आ रहा है, इसका मुख्य नेता जो थे वह थे नेल्सन मंडेला, और इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। ये बहुत नेता बन के उभरे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध जो मजदूर संगठन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यह भी शामिल था। केवल नेल्सन मंडेला अकेले नहीं थे बल्कि बहुत सारे मजदूर संगठन जो तैयार हो चुके थे वह भी अब विरोध करने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी का भी विरोध, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह सभी भी मिल करके क्या करने लगे, बहुत ज्यादा विरोध करने लगे। 1994 का समय आता है, चुनाव की घोषणा की गई और जिसमें लोकप्रिय अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ये जीत हुई। सिंपल सा बात है कि लोग गोरी चमड़े वाले को कभी भी जीत नहीं देना चाहते थे और इसलिए जो नेल्सन मंडेला है वह जीत गए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का उन्हें दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और इनके विषय में अगर कहा जाए नेल्सन मंडेला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला, इनका जन्म होता है 18 जुलाई 1948 को और इनकी मृत्यु हो जाती है 5 दिसंबर 2013 को। ओके, ये अफ्रीका के जो आजादी है उनमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। ये साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के भी व्यक्ति थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज भी इन्हें मिला, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया और बहुत सारे ऐसे जो अवार्ड है दूसरे देशों से मिलता है, जैसे कि निशाने पाकिस्तान, ये भी इन्हें पाकिस्तान की ओर से दिया गया और भी बहुत सारे इन्हें अवार्ड मिला गया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही महान व्यक्ति थे और इन्होंने अफ्रीकी देश को क्या किया, आज़ादी दिलाया। अब इनके विषय में और सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस फोटो को गौर से देखिए और इसमें एक टाइमलाइन बना हुआ है, जैसे कि 1918 में ये क्या बन गए थे, पूर्व केप टाउन में इनका जन्म हुआ था और 1943 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से ये जुड़ चुके थे और 1956 में देशद्रोह का आरोप लगाने के बाद इन्हें बाद में वापस ले लिया गया। देशद्रोह का आरोप लगा फिर इन्हें क्या कर लिया गया, वापस ले लिया। यानी नेल्सन मंडेला की कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका के जो इतिहास को पढ़ने के लिए, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी को थोड़ा और गौर से पढ़िए कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुआ। देखिए नेल्सन मंडेला जो थे उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और इनके आधार पर इन पर मुकदमा चलाया गया। अब आप बोलेगा कि इन पर देशद्रोह का आरोप क्यों लगा, तो इसका कारण है कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस देश में, दक्षिण अफ्रीका देश में जिस समय ये कहानी चल रहा है उस समय आंदोलन करना, संगठन बनाना, ये सभी चीजों की आजादी नहीं था, इनका अधिकार नहीं था। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप जो है वह गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ सरकार आप पर मुकदमा चला सकती है और इसीलिए नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का आरोप लग गया। नेल्सन मंडेला के साथ साथ 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में यानी कि 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए, यानी कि ये जो विरोध कर रहे थे इसी विरोध के जुर्म में इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में ये जेल में रहे और वह जेल का नाम क्या था, यहाँ पर जेल का नाम लिखा है रोबेने द्वीप पर यह जेल था। और आप भी देखिए इसकी फोटो, देखिए ये है फोटो, आप ये दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है और यहाँ से आप देखिए ये रहा रोबेने द्वीप, देख सकते हैं कितना दूर है, चारों तरफ इसका पानी ही पानी है और इस द्वीप में इनको जेल में रखा गया था। आप जेल की फोटो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये है जेल की फोटो। तो हम क्या देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत ज्यादा तकलीफों में रहे अपनी देश की आजादी कराने के लिए।
नेल्सन मंडेला जो है अपनी एक आत्मकथा की किताब लिखी है और उनका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इन्होंने इसमें लिखा है लॉन्ग, LONG लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आजादी के लिए मुझे बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन द्वीप है, अफ्रीका में जब आजादी मिली, लोकतांत्रिक सरकार बना, तो उस देश ने सबसे बेहतर संविधान बनाने की मांग करी और उस देश के सभी नागरिकों ने मिलकर के अफ्रीका का एक संविधान बनाया, क्योंकि उनको लगा कि अब बिना नियम कानून का कुछ भी नहीं हो सकता है। और अफ्रीका में एक संविधान बना, इतिहास और भविष्य दोनों की बातें की गई। यानी अफ्रीका का अगर आप संविधान पढ़िएगा तो वह इतिहास की भी बात करता है और भविष्य की भी बात करता है, क्योंकि इन दोनों को देख करके इस देश में संविधान को कह सकते हैं बनाया गया था। एक तरफ यह पवित्र समझौता है। समझौता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से पता है कि रंग भेदी क्रूर शासन व्यवस्था था, दमनकारी शासन व्यवस्था था, और इन्होंने सब ने मिलकर के यह वादा किया कि अब हम रंग भेदी क्रूर शासन व्यवस्था और दमनकारी शासन व्यवस्था को बिल्कुल भी दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। अपने देश के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी जो है हम सब समान हैं, और अपने जो भी अर्थ है, जो भी हम रहेंगे, सब साझा रहेंगे, यानी कि शेयर करेंगे एक दूसरे से दुख तकलीफ, और किसी को भी ऐसा नहीं कि आप जो है अश्वेत हैं, श्वेत हैं, और इसके आधार पर हम आपका साथ भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सभी को क्या करेंगे, मिल कर रहेंगे। ऐसा किसने बनाया संविधान? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में बोला गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो है वह बहुत ही लंबे समय में बहस के बाद बना। लगभग 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद 1994 में इसे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया, और ये दुनिया भर के लोकतांत्रिक तरीकों के लिए निंदा की जाती थी। यानी पहले जिस देश को बोला जाता था कि बिल्कुल खराब देश है, यहाँ पर अच्छी शासन व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, काले गोलों के गोरों के साथ भेदभाव होता है, और आज उसे लोकतंत्र का मॉडल माना गया। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि दक्षिण अफ्रीका में खराब शासन व्यवस्था था, क्योंकि यहाँ का नियम कानून बिल्कुल भद्दा था, और इस नियम कानून में इतने सुधार किए गए, इतने बेहतर सुधार किए गए कि पूरी दुनिया के लोग को लगा कि अरे ये तो बेस्ट है, हमें भी इसी तरह का संविधान बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जो पहले निंदा की जाती थी जिसकी, आज वो एक प्रकार का रोल मॉडल बन गया। ओके ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका की संविधान की बात है। तो देखिए, एक चीज जो हम यहाँ से सीखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है संविधान। तो अगर आप हमसे पूछेगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो इसका जवाब इस प्रकार से होगा कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करने के लिए, उसके कार्य तय करने के लिए संविधान की जरूरत है। कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कैसे होगा, उनके क्या क्या कार्य होंगे, विभिन्न सरकार के अंगों के अधिकार क्या होंगे, यानी कि सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि हम जैसे भारत की बात करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भी गृह मंत्री, तो अलग अलग जो मंत्री है ये सरकार के अंग है, इनके क्या अधिकार है, इनका क्षेत्र कहाँ तक है और इनके पास क्या क्या काम करने के लिए पावर है। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए वह उनके पास तो शक्ति आती है, लेकिन उन शक्ति का वो दुरुपयोग नहीं करे, इसके लिए भी किसी भी देश में संविधान की जरूरत होनी चाहिए। ना केवल सरकार को बल्कि नागरिकों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, वह उस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भी संविधान की जरूरत होती है, और एक अच्छे समाज के गठन के लिए किसकी जरूरत है, संविधान की जरूरत है। यानी कि संविधान अगर नहीं रहेगा तो आप जो है बिल्कुल अकेलापन महसूस कीजिएगा, आपको लगेगा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, यानी कि अधिकार तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नियम कानून बिल्कुल खराब हो जाएगी। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में देखें, गोरे लोगों ने काले लोगों पर राज करने लगा, वह उनके साथ बिल्कुल खराब व्यवस्था सेट करने लगा। आप यहाँ तक समझिए कि अगर आपके पास बस का टिकट है और आप बस में बैठे हुए हैं, और अगर गोरी चमड़ी के लोग आ गए और सीट बिल्कुल भरा हुआ है, तो अगर आप काली चमड़ी के लोग हैं तो आपको उठना पड़ेगा, भले आपके पास सीट है, आपके पास टिकट है, तब भी आपको खड़े जाना पड़ेगा। और इस तरह की व्यवस्था थी, और इसीलिए इन व्यवस्थाओं से तंग आकर के लोगों ने विरोध किया और देश में संविधान के निर्माण की। तो अब आइए समझते हैं संविधान के विभिन्न अधिकारों के विषय में। देखिए, संविधान के प्रमुख कार्यों के विषय में, संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। ओके, तो देखिए, संविधान सबसे पहले काम करता है कि विभिन्न लोगों के बीच जो भरोसा है वह कायम करता है, और लोगों को सहयोग विकसित करने में मदद करता है। स्पष्ट करना है कि सरकार का गठन कैसे होगा, फैसले लेने का अधिकार किसके पास होगा, ये संविधान का कार्य है।
और सरकार की जो अधिकार सीमा है यानी कि उनकी भी सीमा होती है अधिकार का, यानी उनके पास कहाँ तक पावर है उसका भी एक सीमा होता है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि अगर आप इससे आगे जाइएगा तो जो नागरिक है उनके साथ क्षति होने लगेगा। तो नागरिकों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, इनको भी बताता है कौन, संविधान। एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो आकांक्षाएं होती है वह व्यक्त करता है, यह भी कौन व्यक्त करता है, संविधान ही व्यक्त करता है। ये सभी चीजें संविधान के प्रमुख कार्य में आते हैं। इसे बेहतर तरीके से आप इस तरह समझिए कि संविधान ये जताता है कि आप एकदम भरोसे में रहिए, सरकार आपके साथ बेहतर करेगा और आपके सहयोग के विषय में ही बात करेगी, आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार जो संविधान है उसका पहला काम यही है। दूसरे पॉइंट में सरकार का गठन के विषय में बोला गया है, यानी कि सरकार कैसे बन सकती है, सरकार कैसे बनेगा, कौन सरकार में आ सकता है, इन सभी चीजों के विषय में भी किसमें लिखा गया, संविधान में लिखा गया। फैसले कौन ले सकता है, फैसले लेने का अधिकार किसके पास है, जैसे कि भारत में कोई भी फैसला कौन ले सकते हैं, भारत के जो उच्चतम अधिकारी है जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो है वो फैसले ले सकते हैं। किस आधार पर कौन से फैसले कौन ले सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर राज्य स्तर की फैसले की बात करें तो उसके लिए राज्य सरकार है, और राष्ट्रीय स्तर की जो फैसले की बात करें तो वो राज्य सरकार नहीं ले सकते हैं, वह केवल केंद्र सरकार लेगी, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनके विभिन्न अंग जो है वह सभी मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के फैसले ले सकते हैं, लेकिन जो राज्य स्तर के फैसले हैं वो केवल राज्य सरकार लेंगे, और कुछ राज्य स्तर के फैसले केंद्र सरकार भी ले सकती है। तो ये होता है फैसले लेने का अधिकार। ओके, दूसरा लिखा गया है कि अधिकार का सीमा, तो आप सीमा देख सकते हैं, राज्य स्तर का जो अधिकार है वो केवल राज्य तक सीमित है, और केंद्र स्तर का जो सीमा यानी कि वो कहाँ तक पावर है उनके पास, तो वो केंद्र में है और उनके पास थोड़ा थोड़ा राज्य में भी पावर है, तो इसको बोलते हैं अधिकार सीमा। और नागरिकों के पास भी अधिकार है, जैसे कि आप जो संगठन बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं अगर सरकार आपको बेहतर नहीं पसंद है तो, साथ ही आप उसका विरोध कर सकते हैं, और सरकार के विरोध के साथ साथ आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, ये भी आपके पास अधिकार है। तो ये सारे अधिकार नागरिकों के पास हैं, और भी आप अपनी आकांक्षा व्यक्त कर सकते हैं कि हमें इस सरकार से क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में सड़क नहीं है, तो आप सरकार से सड़क की मांग कर सकते हैं, तो ये है आकांक्षा आपकी व्यक्त करना। साथ ही साथ आप सरकार से कुछ नए नियम कानून के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में पहले जो था शिक्षा का अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से जो था मान्य नहीं था। मान्य का कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का अधिकार आप ले भी सकते हैं, नहीं भी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन अब इसे क्या कर लिया, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया कि नहीं, आपको शिक्षा जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, आपकी इच्छा थी और आपने अपनी आकांक्षा को व्यक्त किया और इसे सरकार ने कानून बना दिया। तो ये सारा काम किसका है, संविधान का। अगर एक किसी भी देश में संविधान नहीं रहेगा तो ये सारे कार्य नहीं होंगे और आप किसी भी समय मुसीबत में आ सकते हैं। अब एक और चीज समझना होगा कि आखिरकार संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो आइए थोड़ा सा अपने ही देश की कहानी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे देश में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत जैसा विशाल देश जिसमें बहुत सारा विविधता भरा हुआ है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में केवल रंग के आधार पर भेदभाव हुआ था, हमारे देश में रंग के आधार पर भी अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं, जाति, धर्म और भी जो अलग अलग आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा बोली के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इन सभी आधार पर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अगर दक्षिण अफ्रीका की तरह यहाँ पर विविधता होने लगेगा तो हमारे देश में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे देश में संविधान बनाना बहुत ही आसान काम नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन 1858, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 वह समय है जब भारत में क्रांति हुई, और इसे हम जो है क्रांति 1857 की क्रांति कहते हैं, और हम सब ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से हम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे क्योंकि हम भी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और फिर हमने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और 1857 में देश में क्रांति शुरू हो गई। फिर 1858 का समय आता है और 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए अधिनियम पारित किया। ओके, क्योंकि उसको लगा कि 1857 मतलब कि लोग जब परेशान है तो चलिए हम नियम कानून में कुछ बदलाव करते हैं। सिंपल सा बात है, 1858 में क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से संसद पारित किया गया था और एक अधिनियम बनाया गया था, यानी नियम कानून बनाया गया था, और इसमें जो तत्काल प्रधानमंत्री मतलब कि उस समय यूनाइटेड किंगडम के जो थे लॉर्ड पामस्टर्न, भारत की मौजूदा व्यवस्था देखा, यानी कि भारत में कैसी व्यवस्था है, और नाम लिख देते हैं प्रधानमंत्री उस समय जो था, हम लिख देते हैं ऐसा प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं इसे, इनका नाम लिखते हैं लॉर्ड पामस्टर्न। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि व्यवस्था बिल्कुल खराब है, तो इस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, सुधारते हैं और एक अच्छी व्यवस्था लाते हैं।
लेकिन ये जो अधिनियम है इसमें कुछ खास परिवर्तन किया नहीं गया। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया और बंटवारा हो गया एक हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो देश बन गए, एक पाकिस्तान बन गया और एक बन गया भारत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बंटवारा भी हो रहा है और जो है नियम कानून भी सही तरीके से नहीं है। 1928 का समय आता है और मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। और भी कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने जो है भारत का संविधान लिख दिया। ओके, इन्होंने संविधान लिख के तैयार कर दिया था और बोला कि ये नियम कानून हम सबको क्या करना है, मानना है। ओके, और इन्होंने ऐसा 1928 में नहीं बल्कि 1930 आया, ओके ना, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने झंडा फहरा करके बोल दिया कि अब हम पूर्ण रूप से जो है स्वराज में है और अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम संवैधानिक रूप से आजाद हो चुके हैं। कब? 26 जनवरी 1930 को ही बोल दिया गया। और आप सबको पता है कि हम लोग जो है अभी आजाद हुए नहीं है 1930 में, हमारी जो आजादी हुई 1947 को भी है। तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। 1931 में कराची में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बैठा जाता है और इसमें आजाद भारत का संविधान कैसा होगा इस पर चर्चा की जाती है कि क्या यही वाला संविधान अपना लिया जाए या कुछ इसमें परिवर्तन किया जाए। तो देखा गया कि इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यक, इन सभी बातों पर बहुत ज्यादा बहस किया गया, बहुत ज्यादा चर्चा किया गया, क्योंकि बहुत सारे देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था। स्वतंत्रता समानता जैसा विचार जो है वह फ्रांस की क्रांति से ही देश में आ चुके थे और जिसकी संख्या कम होगी यानी कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनके पास क्या अधिकार होगा, इन सभी बातों पर चर्चा की जाती थी। तो संविधान इस तरह से भारत में संविधान की एक नींव रखा गया कि किस तरह से संविधान बना जाएगा। हालांकि उस समय ब्रिटिश शासन था, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं 1931 का, तो अभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था गया नहीं है, तो जो भी राजनीतिक नेता थे, राजनीतिक विशेषज्ञ थे, वह कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने सभी चीज को धीरे धीरे किया, वो तेजी से नहीं हो रहा था, ये बहुत ही धीरे धीरे होता। सभी कार्यसभा भाग लेने का अवसर जो है वह धीरे धीरे मिल रहा था क्योंकि भारत में ब्रिटिश रूल था। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हो रही थी, जैसे कि बाद में एक चीज बनाया गया, जैसे संविधान सभा बनाया गया। ओके, जब हमें आजादी मिली तो संविधान सभा क्या होता है तो आपको बता देते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। मुख्य रूप से संविधान को लिखने के लिए जो बहुत सारे लोग चुने गए और उन चुने जितने भी सारे लोग चुने गए तो वे मिल करके एक सभा बना दिए और इसी सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। अब देखिए संविधान सभा जी थी वह बहुत सारी चीजों की मांग कर रही थी। तो सर्वप्रथम जो है 1895 में संविधान सभा की मांग क्या थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कि हमें स्वराज विधेयक चाहिए। और 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग पर परिवर्तन की। 1924 में मानवेंद्रनाथ राय ने सुझाव दिया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। इसमें 379 सदस्य थे, 389, जिसमें से 296 निर्वाचित थे, निर्वाचित का मतलब चुने गए थे, और 93 को मनोनीत थे, मतलब कि अपने ही मन से चुन लिया गया था। और जो 296 था उसमें से भी 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, यानी कि भारत का दो प्रांत था, एक ऐसा एरिया जिसमें ब्रिटिश ने राज किया था उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, और कुछ एरिया जो था कमिश्नरी था। ओके, तो 4 को जो था वो कमिश्नरी क्षेत्र से आया था। और जो मनोनीत कौन थे वो देसी रियासत वाले थे। ओके, निर्वाचित जो था वो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र से था, और ये जो देसी रियासत है वह एरिया है जिस पर ब्रिटिश ने राज बिल्कुल भी नहीं किया था। ये सभी के सभी क्या थे, मनोनीत थे। संविधान सभाया बनाया गया। संविधान में अलग अलग प्रकार की समिति बनाई गई, जैसे कि संचालक समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी समिति, इनका जो इसका जो हेड है वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है, इनका भी राजेंद्र प्रसाद, और नीचे वाला का भी कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं आवास समिति, तो पट्टा वी सीतारमैया जो थे वो कौन थे, आवास समिति के अध्यक्ष थे। उसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के विषय में चर्चा की जा रही थी तो उनके लिए भी उप समिति बनाया गया था। HC मुखर्जी इनके जो थे प्रमुख थे। उसी प्रकार से प्रारूप समिति बनाया गया था और इनके जो हेड थे वो कौन थे, BR अंबेडकर जी थे। यहाँ पर सारे जो समिति है उन सभी समिति का नाम लिखा गया, आप एक बार इनमें पढ़ सकते हैं, और इनके जो प्रमुख थे वो व्यक्ति का भी नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे और चीजें समझते हैं। अब देखिए संविधान निर्माण की बात करते हैं।
तो देखिए संविधान सभा ने क्या क्या काम किया। जुलाई 1946 में सबसे पहले तो चुनाव हो गया, चुनाव में संविधान सभा का गठन किया गया। इनकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, सभी मिलकर बैठे और विचार किए संविधान किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। इसके तत्काल बाद देश जो है दो हिस्सों में बट गया। 1946 में भी तो बैठक हुआ है और दो हिस्सा हो गया, पहला बन गया भारत और दूसरा क्या बन गया पाकिस्तान, और वह भी धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। चूंकि अब देश ही बट चुका है तो संविधान सभा में जितने लोग थे वह भी कम हो जाएंगे और इनका भी दो हिस्सा हो गया, दो हिस्सों में इनका बंटवारा हो गया। एक संविधान सभा जो है वह भारत के लिए बन गया और दूसरा संविधान सभा जो है पाकिस्तान के लिए बन गया। भारत का संविधान लिखने वाली जो सभा था उसमें अब केवल 299 सदस्य बचे थे। पहले कितना था? 389 था, लेकिन अब 389 नहीं रहकर 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को इन सबों ने मिलकर के संविधान जो है वे पूरी तरह से तैयार कर दिए। एक आपको बता चुके हैं प्रारूप कमेटी, ओके, अलग अलग कमेटियां थी जिसमें प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रारूप का मतलब होता है मॉडल तैयार करना, तो जो अंबेडकर जी है इन्होंने ही मॉडल तैयार किया। तो बहुत बार हम लोग को लगता है कि अंबेडकर जी ने क्या कर दिया, संविधान बना लिया। आप यहाँ पर फोटो देखिए कितने व्यक्तियों ने मिलकर के संविधान बनाए हैं, तो केवल हम बी आर अम्बेडकर यानी अम्बेडकर जी को हम इनका दर्ज नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने मॉडल तैयार किया। तो मॉडल जो है पूरी तरह से इन्होंने ही तैयार किया, इनकी ही समिति ने तैयार किया। इसीलिए हम कभी कभी बच्चों को ये पढ़ा देते हैं, शिक्षक या किताबों में भी लिख देता है कि संविधान किसने बनाया, तो जो है संविधान के निर्माण जो है वह किसने किया, बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन सही जवाब पूछा जाए तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है। ओके, अब देखिए ये तुरंत एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं थी, इसमें लंबा प्रक्रिया था। प्रत्येक धारा जो भी इसमें नियम कानून लिखे गए थे, जो भी धारा लिखा गया था, अनुच्छेद लिखा गया था, उसमें बहुत बार चर्चा किया गया। 2000 से ज्यादा बार जो है इसमें संशोधन हुए, चर्चा हुए, 3 वर्षों तक काम चला और 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। और उन चर्चाओं को ना केवल चर्चा किया गया बल्कि रिकॉर्ड भी किया गया और उनको अभी तक संभाल करके भी रखा गया। अब बोलिएगा सर ये कहाँ मिलेगा, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ओके, और इनके नाम पर 12-12 मोटी किताबें छपी गई है। आप इस तरह यहाँ पर किताब देख सकते हैं, इन किताबों को आप खरीद के पढ़ सकते हैं। इसमें वही चर्चाएं लिखी गई है कि पहले कौन सा शब्द लिया गया था, बाद में कौन सा शब्द लिया गया और उसमें कौन कौन सी चर्चा हुई। और इन्हीं सभी बहसों को, हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा गया कि जो भी प्रावधान कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा नियम कानून लगना चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, इन सभी चीजों पर बहस, पूरी तरह से बहस चला था। अब देखते हैं भारत में संविधान लागू कब हुआ। देखिए बंद हो गया है 26 नवंबर 1949 को। ओके, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1930 में ही जो है हमारे देश के नेताओं ने क्या कर दिया था, 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा दिया और बोला कि हम जो है पूरी तरह से आजाद हैं और हमारा जो देश है पूर्ण रूप से वह भी क्या है, आजाद है, और हम अपना जो संविधान है वो खुद लिखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने खुद को अपने आजाद घोषित कर दिया और झंडा भी फहरा दिया और स्वराज की घोषणा कर दी थी। इसीलिए चूंकि 26 जनवरी को झंडा फहरा दिए थे और इसीलिए हम लोग बार बार जो झंडा 26 जनवरी को भी फहराना चाहिए। इसीलिए 26 नवंबर को तो हमारा संविधान बन गया लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया, बल्कि लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी में 1949 तो हो चुका है, 50 में हमने लागू कर दिया। और 26 जनवरी को प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो एक साथ दोनों ही काम हो गया, यानी कि उस समय जो 26 जनवरी को झंडा फहराया था उसे भी नहीं भुलाएं और हम अपने संविधान के याद में उसे भी क्या कर लिए, याद कर लिए। एक सवाल जो बच्चों के मन में रहता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा जो संविधान है वह पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, और जब भी 26 जनवरी मनाते हैं, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी तो हमारा संविधान लागू हुआ, इस दिन भारत के राष्ट्रपति जो है वह झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है वह झंडा फहराते हैं। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखिएगा। और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यह भी याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं कि मुझवाने वाला नहीं है, हमारा संविधान लिखा हुआ है और कल को जरूरत पड़ता है तो हम इसमें बदलाव या कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते आगे, और एक टॉपिक हमारे किताब में दिया गया है और वह है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस वाले में क्या चीजें सीखना है, हमें ये देखना है कि उस समय संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़ने के विषय में बात की जा रही थी और कौन कौन से शब्द हटाने के विषय में बात किया जा रहा था। इसे हम बुनियादी मूल्य के रूप में देखते हैं और मुख्य रूप से हमारे संविधान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। तो देखिए अलग अलग व्यक्ति जैसे कि महात्मा गांधी हो गए और
भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, उन्होंने अलग अलग विचार दिए। जैसे कि इन विचारों का आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ, एक ऐसे भारत का संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से क्या करे, मुक्त कर दे, चाहे वो निम्न वर्ग में रहे या उच्च वर्ग में रहे, उसे किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव का अनुभव नहीं हो, सब जो है मेलजोल से रहे। साथ ही साथ भारत में छुआछूत जो है वह खराब हो जाए, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, शराब और नशीली चीज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ चीजों का जो है मान हुआ और कुछ चीजों का नहीं हुआ। आज भी नशीली चीजें हमारे देश में देखने को मिलता है। चाहे मर्द हो या औरत, यानी स्त्री हो या पुरुष, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा किनका मानना था? महात्मा गांधी का मानना था। यानी कि ये चाहते थे कि ऐसे ऐसे जो शब्द जोड़े जाए, ऐसे नियम कानून बनाए जाए ताकि ये सारा चीज हो जाए। वही अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जी को, तो इनका एक मकसद था कि हर व्यक्ति को समान वोट का महत्व मिलना चाहिए, सभी जो है वह बराबर हो, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कैसे भी जीवन में रह रहे हैं, सबका एक व्यक्ति का एक वोट हो, और एक वोट का मोल भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ऐसा किनका मानना था? भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नेहरू जी, तो नेहरू जी भी कवि, नेहरू जी के विचार भी कुछ इसी प्रकार से थे। वे चाहते थे कि अपनी नियति के साक्षात्कार किया गया, और अब वक्त आ गया कि हम क्या करें, अपने वायदों पर अमल रहें, और पूरी तरह हर तरह कहीं ना कहीं जो, मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इनको, इनका जो कहना था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी लोग जो है बराबर हो जाए, चाहे वो आजादी हो, सत्ता हो, जिम्मेदारी जो है वो बराबर सबकी होनी चाहिए, और कभी भी हमें बाद में भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं आना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, संविधान में बार बार परिवर्तन करने की जरूरत पड़े। और अब अगर हम संविधान की दर्शन करें, तो संविधान दर्शन में क्या बातें कही गई, देखिए देखते हैं। ओके, तो जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उन मूल्यों को तो हम पहले स्वतंत्रता, जैसे कि जिनसे हमें स्वतंत्रता मिली है उसे तो हम संविधान में जोड़े ही जोड़े हैं, और इसीलिए संविधान का दर्शन करने का मतलब संविधान को पढ़ना। अब इतना बड़ा संविधान हमारा है कि आप इसे पढ़ना मुश्किल है, कुल 22 भाग है, और इसमें जो है 400 से प्लस अनुच्छेद लिखे गए हैं, आज तक बदलाव करके आ चुके हैं। तो इतने बड़े संविधान को पढ़ना जो हमारे लिए बहुत लंबा समय है, इसलिए हमारे संविधान में एक प्रस्तावना लिखा गया है, और अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो संविधान जो है ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें वही सारी बातें छोटा करके लिखा गया है, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पूरा संविधान पढ़ना ही होगा। यानी कि मुख्य रूप से अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आपको संविधान की एक झलक मिल जाएगी, दर्शन मिल जाएगा। भारतीय संविधान में जो भी धाराएं लिखी गई है वह सभी इन्हीं के अनुरूप लिखी गई है, नियम कानून, और इन्हें हम छोटी सी उद्देशिका कहते हैं या फिर प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों ही एक ही चीज है। और आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया। अच्छा, इसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, ये वाला चीज है, ये है भारत का प्रस्तावना, इसी को हम भारत की आत्मा भी कहते हैं। इसमें अलग अलग बातें लिखी गई है, जैसे कि पहला जो शब्द लिखा गया उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, भारत के लोग मतलब भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग के विषय में बोला गया। ओके, सब दूसरा शब्द लिखा है प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमें किसी चीज का जरूरत नहीं, हमें किसी दूसरे को सहारा का जरूरत नहीं है, हम पूरी तरफ से संपन्न है, और समाजवादी तरीके से भी हम समाज में सबको समान तरीके से लेकर के चलेंगे। और पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी के विरोध में नहीं, हम लोग अपने पक्ष और विपक्ष की जो है बात खुद कर लेंगे, हमें जो है पक्ष और विपक्ष के विषय में समझाने का जरूरत नहीं है, हम जो पूरी से निरपक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब ना आपके पक्ष में, ना हमारे पक्ष में, ना किसी जाति के पक्ष में, ना किसी धर्म के पक्ष में, सबके समानता को लेकर के चल जाएगा। और हमारा जो देश है वह कैसा है, लोकतंत्रात्मक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को हमारा लोकतंत्र, 26 जनवरी 1950 को हमने देश में संविधान लागू किया, और हम पूर्ण रूप से क्या हो गए, लोकतांत्रिक देश बन गए। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य एक शब्द लिखा गया था, यहाँ पर लिखा है शासक का प्रमुख जो है लोगों द्वारा चुना जाएगा, उसे हम गणराज्य कहते हैं। अब आप बताइए हमारे देश में जो मंत्रीगण चुने जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो वो कौन होता है, चाहे भले ही ये जो है इसको ऐसे कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके का चुनाव होता है, ठीक है ना, भले ही राष्ट्रपति जो है वे अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं और मंत्रीगण जो है वे प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो वाली बात है, लेकिन जो चुनता है, चुनते कौन है, जनता ही चुनते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो राष्ट्रपति है उनका जो आने वाली पीढ़ी है वे अभी राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी है वो राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है। ओके ना, इसे हम जो बोलते हैं राजतांत्रिक शासन व्यवस्था, और हमारे देश में कैसा है, गणराज्य शासन व्यवस्था है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर न्याय को बहुत ही अहम देते हैं,
भले ही हमारा यहाँ न्याय लेने में देरी होती है, लेकिन हम इसमें गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो है मुख्य गुनहगार है उसे ढूंढते हैं, फिर उसे हम सजा देते हैं। और स्वतंत्रता की बात तो हम करते ही हैं, और साथ ही साथ समानता की भी बात करते हैं। और बंधुता का मतलब हम यहाँ पर सब भाईचारा के साथ यानी कि मिल करके रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा के संबंध रखता हो। तो ये है भारत की, जो है भारत का संविधान है, और ये सारी चीजें भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारत की प्रस्तावना अगर आप पढ़िएगा तो एक बार इसे जरूर पढ़िए। जैसे कि भारत का संविधान लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा लिखा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यहाँ पर लिखा हुआ 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा जो संविधान है वह बनके तैयार हो गया है। और इसीलिए सबको एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, लेकिन हम लागू कब करते हैं, 26 जनवरी 1950 को। तो ये था पूरी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने की कहानी, संविधान बनने की कहानी, संविधान की जरूरत क्यों है, और अफ्रीका में कौन सी कहानी हुई थी, और लोगों ने प्रेरणा लेकर संविधान बनाने की बात क्यों कही। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा संविधान बेहतर समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लास्ट में बात करते हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको रोज मिल सके। और मेरा जो दो चैनल है, एक है अभी क्लासेस डाउट्स, जिसमें हम डाउट यानी कि डाउट मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और मुख्य रूप से छोटे छोटे सवाल के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ। और एक और चैनल है अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव, इन दोनों ही जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी क्लियर कर लीजिए, और आपके अंदर जो डाउट है सवाल को लेकर वह भी आपका क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बेहतर समझ में आएगा, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।